नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जब रोस्टो स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, चाहे मंदी हो, चाहे तेजी हो, चाहे बारिश हो, ऑल वेदर। राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे कि अगर मैं डेथ बेड पे हूँ और होश में हूँ तो मैं मरने से पहले इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूँगा। थोड़ा बहुत तो रिस्क हर जगह है, थोड़ा रिस्क तो रहता है इक्विटी बाजार में। जीतते वही हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर बच्चा गिरने से डरेगा तो कभी चलना नहीं सीखेगा। अगर आप पानी में नहीं उतरेंगे तो तैरना कैसे सीखेंगे। MS धोनी रेलवे की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर क्रिकेट में भाग्य आजमाने पहुंच गया और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। अगर वो रिस्क ना लेता तो रेलवे के अंदर गार्ड होता और क्या होता। फिर इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत भी है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और साथ ही एक फिल्म आई थी स्कैम, उसमें था वो रिस्क है तो इश्क है, ये भी है। तो दोस्तों, आज हम एक आपके लिए बहुत ही शानदार शेयर, बहुत ही उम्दा शेयर लेकर आए हैं। AI सेक्टर का है जिसमें गिरते बाजार में भी 5% का, शुक्रवार को भी उसके अंदर 5% का अपर सर्किट था, जिसने एक वर्ष में 743% की इंक्रीज दी है। भविष्य का शेयर है, बाजार जानकर इस पर बहुत ही उत्साहित है, बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। ऐसा इस शेयर में क्या है, क्यों इतने ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे E2E नेटवर्क लिमिटेड के शेयर पर, E2E नेटवर्क लिमिटेड के शेयर पर। यह शेयर क्यों खास है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्यों ये इतनी चर्चा में है, इसके ऊपर बात करेंगे। E2E नेटवर्क एक NSE सूचीबद्ध AI केंद्रित हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो उन्नत क्लाउड, जो PU और AI ML अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती के लिए डिजाइन किए गए क्लाउड प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक पारिस्थितिकी सर्कमस्टांशियल तंत्र प्रदान करता है। क्लाउड पे काम करता है ये E2E क्लाउड उत्पाद। इसके देख लेते हैं क्या कौन से हैं। क्लाउड GPU, लिनक्स क्लाउड्स, विंडोज क्लाउड्स, TIR मशीन, लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड समाधान और स्टोरेज क्लाउड, क्लाउड स्टोरेज भी है इसके। कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए क्वार्टर 3 FY24 में H100L405L4 के लिए नवीनतम पीढ़ी के क्लाउड GPU परियोजनाएं शुरू की हैं। H100A100 से 9 गुना तक तेज है। ये हापर आर्किटेक्चर पर आधारित है। समाधान TRR AI प्लेटफॉर्म, क्लाउड GPU, कंप्यूट कंटेनर, मल्टी रीजन, DBaaS, स्केलेबल फाइल सिस्टम, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, BPC, FAaS, लोड बैलेंसेस, ऑटो स्केल, API, SQS, ये सारी AI की टर्म्स हैं। इसके ग्राहक हैं जो Zomato, Cars 24, इंस्टेंट पे, क्लोबिया, नियो, जोमेकार, नायका, इंडिया मार्ट, हेल्थ कार्ट आदि भागीदार हैं जो इसके। NVIDIA, AMD, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, SPLA। कंपनी अपने लॉन्च किए गए डाटा सेंटर में कंपनी के विक्रेताओं में से एक से ली गई डाटा सेंटर सुविधाओं के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने की योजना बना ली है। क्षमता 1000 किलोवाट से बढ़ाकर 4200 किलोवाट तक की जाएगी। यह क्षमता 7 वर्षों में जोड़ी जाएगी। फंडामेंटल्स देखते हैं, अब ये तो हमें ज़्यादा नहीं समझ आता,
आईटी का है, एआई का शेयर है, लेकिन फिर भी जिनको समझ आता है वो तो समझ ही लेंगे। तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा माना गया है इसका। मार्केट कैप 2574 करोड़ है, कीमत 1770 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 2000 रुपये और 232 रुपये है। स्टॉक भी 103 है, बुक वैल्यू 49 रुपये है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 36.40% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 69.40% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 साल का रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी 27.80% है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। कॉन्स्टेंट इसके नील हैं, किसी तरह के कोई कॉन्स्टेंट नज़र नहीं आए। पीवी फिनटेक, KPIT टेक्नोलॉजी, ये सभी AI की टेक्नोलॉजी के हैं, ये इसकी पीयर कंपनीज हैं। क्वार्टर वन FY25 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अभी आए हैं, तो उनको हम कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर वन FY24 के साथ। तो जून 23 और जून 24 के हम नतीजे कंपेयर कर लेते हैं। सेल 19 करोड़ से 41 करोड़ हो गई, 41 करोड़ हो गई। OPM 53% से 66% हो गया, OPM अच्छा खासा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया। 4.82 पैसे, पहले इसकी EPS थी 4.82 रुपये, अब 7 रुपये हो गई है, 3.5 रुपये लगभग बढ़े हैं इसके। 17.29 रुपये वैसे इसकी EPS है ईयर ऑन ईयर TTM। 3 वर्ष के CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 39% है, इसके पैरामीटर्स देख रहे हैं तो। प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 साल की CAGR की वो 153% है। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 3 साल की 28%, हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्टॉक CAGR 3 साल की स्टॉक प्राइस CAGR है जो 3 साल की वो 234% है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। शेयर कैपिटल 14 करोड़ है, रिजर्व 56 करोड़ है और बोरिंग भी 144 करोड़ की है, बोरिंग अच्छी खासी है। प्रमोटर्स के पास 59.66% है, लगभग 60%। FII भी है 1.28%, DII 4.31% है, पब्लिक के पास 34.60% है। यहाँ तक फंडामेंटल्स का सवाल है और बिजनेस मॉडल का सवाल है, वो तो दोनों बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या दाम है। जो 776 रुपये हैं, यह 5% के अपर सर्किट में बंद हुआ था शुक्रवार को, लास्ट ट्रेडिंग डे को। सेक्टर पी 108 है, ये 103 पे ही मिल रहा है, लेकिन आप इसकी पीयर कंपनियां भी सस्ते में नहीं मिल रही। पीवी फिनटेक है 1000 की पी पर मिल रही है, KPIT भी 85 की पी पर मिल रही है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इससे कम है उनकी। तो इस हिसाब से यह अच्छा शेयर है, उनसे अच्छा है। E2E ने अच्छे क्वार्टर वन FY25 के रिजल्ट्स पेश किए हैं, 7 करोड़ से 10 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए का सीधा फायदा है, सॉलिड इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में, वर्ष दर वर्ष आधार पर 2 गुना हुई है। इक्विटी डेट टू इक्विटी 1.45 है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक शेयर है, भविष्य इन्हीं का है, AI डाटा स्टोरेज क्लाउड्स ये सारा कुछ इन्हीं का फ्यूचर है। अभी तो 3 महीने में 78%, 1 वर्ष में 743% और 3 वर्ष में 4017% की इंक्रीज दी है शेयर ने, भविष्य का शेयर है। हमारी टीम का अनुमान है 2000 रुपये तक जल्दी जाएगा,
दो वर्ष में 4,000 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।